बीजेपी शुरू से ही राम नाम के सहारे अपनी सियासी रोटियां सेकती आई है और जब चुनाव करीब हो तो राम की याद बीजेपी को कुछ ज्यादा ही आने लगती है। 4.5 साल में मंदिर को लेकर कोई फैसला ना लेने से मोदी सरकार अपनों के ही निशाने पर है। आरएसएस से लेकर साधु संत सभी ने सरकार से राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछी है। सरकार राम मंदिर की तारीख तो नहीं बता रही मगर इस भंवर से निकलने के लिए उसने बड़ा दांव खेला है। तो क्या है वो फैसला जिससे सरकार ने हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार राम मंदिर पर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राम सेतु तक रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दे दी है। दरअसल ऐसी मान्यता है कि काशी और रामेश्वरम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी को देखते हुए सरकार ने रामेश्वरम स्थित राम सेतु तक रेल लाइन बनाने की योजना पर काम शुरू करने और इसके साथ ही 104 साल पुराने पनवंग ब्रिज पर वर्टिकल लिफ्ट वाले आधुनिक ब्रिज का निर्माण करवाने का फैसला लिया है। दरअसल मौजूदा पनवन पुल तमिलनाडु में मुख्य भूमि मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है, जहां से धनुषकोडी में राम सेतु तक रास्ता जाता है। पनवन पुल 1914 में यातायात के लिए खोला गया था। इसकी विशेषता यह है कि इसके ऊपर से ट्रेनें और नीचे से जलपोत गुजर सकते हैं। यह पुल अब अपनी आयु पूरी कर चुका है। इसके आगे रामेश्वरम तक की 17.20 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन 1964 में आए समुद्री तूफान में बह गई थी। तब से किसी भी सरकार ने उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए अब सरकार ने पुल के साथ ही राम सेतु को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए 17.20 किलोमीटर लाइन को दोबारा बनाने की मंजूरी दी है। करीब 208 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस लाइन पर अगले कुछ महीने में काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे राम मंदिर पर घिरी मोदी सरकार के इस फैसले को आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले से माना जा रहा है कि सरकार इससे नाराज हिंदूवादी संगठनों को मनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार आगामी चुनाव में राम नाम के सहारे अपनी नया पार लगाना चाहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।